स्टीफन हॉकिंग के अनुसार सारे जहान में ऐसे ग्रह जरूर होंगे जिसमें जीवन होने की संभावनाएं हैं, परंतु आज तक विज्ञान ऐसे कोई नतीजे पर पहुंच नहीं पाया है जिसे ये साबित हो कि वहां पृथ्वी जैसे जीव जंतु रहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। पृथ्वी पर लाखों करोड़ों जीव जंतु रहते हैं। यह एक ऐसा अनोखा ग्रह है जहां लगभग हर रोज कुछ ना कुछ अद्भुत घटना होती है। वैज्ञानिकों की इतनी खोज करने के बावजूद पृथ्वी ने आज भी अपने अंदर कई राज दफन कर रखे हैं। परंतु दोस्तों, आज हम इनमें से कुछ राज और रहस्यों का खुलासा करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य में, और आज हम पृथ्वी और ब्रह्मांड के कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पहला, असामान्य गुरुत्वाकर्षण यानी अनइवन ग्रेविटेशन। आज तक हमारा ये मानना था कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हर जगह सामान्य है, परंतु आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कनाडा में स्थित हडसन बे एक ऐसी जगह है जहां का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की बाकी जगहों से अलग है। यहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की बाकी जगहों से 0.05% कम है। हमारे ग्रह की ग्रेविटेशन की व्यवस्था की विस्तृत जानकारी जानने के लिए 2009 में वैज्ञानिकों ने एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था, और उस सैटेलाइट की अलग अलग जानकारियों से इस तथ्य का पता लगाया जा सका। दूसरा, पृथ्वी के बढ़ते हुए दिन। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है कि लगभग 60 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक दिन में केवल 21.9 घंटे हुआ करते थे। चांद और सूर्य की ग्रेविटी से उत्पन्न हुई ओशियानिक टाइड्स की वजह से 100 वर्ष में पृथ्वी के एक दिन में 1.7 मिलीसेकंड्स और जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर समय केवल बढ़ रहा है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी भी है जिनकी वजह से एक दिन के समय में कमी भी आई है। जैसे कि 2011 में जापान में आए भूकंप, जिसकी वजह से पृथ्वी में एक दिन के समय में 1.8 मिलीसेकंड कम हो गया है। तीसरा, पांजिया। क्या आप जानते हैं कि 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं हुआ करता था। असल में उस समय सभी कॉन्टिनेंट एक ही साथ जुड़े हुए थे, जिसको वैज्ञानिकों द्वारा पांजिया का नाम दिया गया है। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई हलचल के कारण लगभग 18 करोड़ साल पहले पांजिया का विभाजन शुरू हुआ, जिसके कारण अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। इसी द्वारा अटलांटिक ओशन बना और इंडिया एशिया में जाकर मिल गया। माना जाता है कि इस बड़े टकराव के कारण हिमालय का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 25 करोड़ साल में ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ फिर से मिल जाएंगे और पांजिया अल्टिमा का निर्माण होगा। चौथा, पृथ्वी गोल आकार की नहीं है। आज तक हमें स्कूल में पढ़ाया गया था कि पृथ्वी गोल यानी एक संतरे के आकार की होती है, जो नॉर्थ और साउथ से थोड़ी चपटी होती है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने भी तस्वीरों में पृथ्वी को ऐसा ही देखा होगा, लेकिन वास्तव में हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। देखिए, इन तस्वीरों के द्वारा हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि पृथ्वी कुछ कुछ इस प्रकार की है। यह एक प्रकार की उबड़ खाबड़ स्पेयर जैसी है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास से बहुत उबड़ खाबड़ है। यह जानने के बाद आप सब लोग यह सोच रहे होंगे कि यदि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, फिर भी वह अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में गोल क्यों दिखाई देती है। तो उसका जवाब यह है कि पृथ्वी जब अपने एक्सेस पर घूमती है तो यह अपने सरफेस को बाहर की ओर पुश करती है, यानी बाहर की ओर धक्का देती है, जिसकी वजह से पृथ्वी एक बॉल के समान बन जाती है और हमें यह ऊबड़ खाबड़ सरफेस दिखाई नहीं देती। पांचवा, गुप्त समुद्र। दोस्तों, पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% जमीन है।
लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च से ये पता चला कि धरती के अंदर लगभग 160 किलोमीटर की गहराई में एक बहुत बड़ा पानी का स्रोत मिला, जिसमें पानी एक नीले रंग के पत्थर के अंदर जमा हुआ है। यह पत्थर एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जिसमें पानी को अपने अंदर कैद करने की क्षमता है। इस पत्थर को रिंगवुडाइट भी कहते हैं। धरती के नीचे पाए गए इस सीक्रेट ओशन में इतना पानी है जो पृथ्वी के सारे महासागरों का 3 गुना है। बढ़ता हुआ सूरज। वैज्ञानिकों ने ऐसा दावा किया है कि सूरज लगातार ज्यादा गर्म और ब्राइट हो रहा है। उनके अनुसार अगले 100 करोड़ सालों में यह इतना गर्म और चमकदार हो जाएगा कि उसके कारण पृथ्वी के सभी महासागर सूख जाएंगे और धीरे धीरे पृथ्वी से ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की आशंका है। अगर ऐसा होता है तो हमारे इस प्लैनेट पर से जीवन का नामो निशान मिट जाएगा और हमारी पृथ्वी एक बेहद गर्म गोली में तब्दील हो जाएगी। 7वां, दूसरी पृथ्वी। जैसा हमने आपको बताया है कि पृथ्वी एक समय के बाद नष्ट हो जाएगी, इसलिए वैज्ञानिक आए दिन अंतरिक्ष में सैटेलाइट और टेलीस्कोप भेजते हैं ताकि पृथ्वी के जैसे कोई दूसरा ग्रह मिल जाए जहां इंसान अपना जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नासा ने ऐसा ग्रह ढूंढ निकाला है जो हूबहू पृथ्वी के जैसा ही है, और वैज्ञानिकों ने इसे केपलर 452b का नाम दिया है। 2009 में नासा ने केपलर नाम का टेलीस्कोप पृथ्वी से बाहर अनजान दुनिया की खोज में भेजा था, जिसने इतने सालों में काफी ग्रहों का अध्ययन किया। उनमें से एक ग्रह केपलर 452b इंसानों के रहने के लिए एकदम सही वातावरण है। यह ग्रह पृथ्वी के मुकाबले 2.5 गुना बड़ा है और इसका तापमान 22 डिग्री के आसपास है। पृथ्वी का ऑर्बिट 365 दिनों का है, वहीं केपलर 452b का ऑर्बिट 385 दिनों का है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सूर्य के चक्कर पृथ्वी से 20 दिन की देरी से लगाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां पानी का होना काफी हद तक संभव है, क्योंकि उस ग्रह की दूरी उसके सूरज से उस जगह पे है कि पानी ना तो जमे और ना ही वहां इतनी गर्मी हो कि पानी अपने आप ही इवेपोरेट हो जाए। दोस्तों, केपलर 452 का एटमॉस्फेयर भी है, पर वैज्ञानिकों का यह कहना है कि बिना किसी जांच के कुछ कह पाना मुश्किल है। 8वां, पृथ्वी का पर्पल यानी बैगनी रंग का होना। एक खगोल जीवी परिकल्पना के अनुसार हमारी पृथ्वी पहले पर्पल यानी बैगनी रंग की हुई करती थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब से हम पेड़ पौधों को जानते हैं, असल में वह उससे पहले से पृथ्वी पर जीवित है, परंतु उस समय पेड़ पौधों का रंग हरा नहीं हुआ करता था, क्योंकि उनमें हरे रंग का पदार्थ यानी क्लोरोफिल उनमें मौजूद नहीं हुआ करता था। उस समय पेड़ पौधों में रेटिनल नामक रोगाणु रहा करते थे, जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर्पल रंग यानी बैगनी रंग की हुई करती थी। मैरीलैंड के माइक्रोबियल जेनेटिक्स के वैज्ञानिक शील दास शर्मा के मुताबिक कुछ साल बाद क्लोरोफिल ने रेटिनल को खत्म कर उसकी जगह ले ली, क्योंकि क्लोरोफिल रेटिनल से ज्यादा सूर्य की रोशनी खाता है, जिस कारण से हमारी पृथ्वी का रंग पर्पल से हरा हो गया। दोस्तों, ये एक एवोल्यूशन का पार्ट है जिसकी वजह से हमारे पेड़ पौधे आज तक जिंदा है। हमारी पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए कई जानवर कई स्पीसीज में एवोल्यूशन हुआ है, जिस वजह से वो आज तक जिंदा है, तभी तो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 9वां, पृथ्वी के बदलते चुंबकीय क्षेत्र। आप मान सकते हैं कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसमें दो चुंबकीय ध्रुव हैं, यानी मैग्नेटिक पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ। साउथ पोल पृथ्वी के निचले हिस्से में होता है और नॉर्थ पोल पृथ्वी के ऊपर के हिस्से में होता है। हम दिशा पता लगाने के लिए कंपास का इस्तेमाल करते हैं, परंतु क्या आप ये जानते हैं कि कंपास काम किस प्रकार से करता है? कंपास में दो सुई होती हैं, जिसमें से एक तरफ लाल होती है जो हमें नॉर्थ यानी उत्तर दिशा बताती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्थ की तरफ एक उत्तर चुंबकीय शक्ति होती है और साउथ की तरफ एक दक्षिण चुंबकीय शक्ति होती है। वैज्ञानिकों द्वारा ये माना जा रहा है कि सूरज की बढ़ती गर्मी के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएंगे। उत्तर के स्थान पर दक्षिण ध्रुव और दक्षिण के स्थान पर उत्तर ध्रुव होने की काफी संभावनाएं हैं, परंतु इसमें कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है,
क्योंकि ऐसा होने में कई हजारों साल लग जाएंगे और ऐसा होने पर हमारी जिंदगी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हाँ, इस कारण से कुछ जीव जंतु परेशान हो सकते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा कबूतर। तो दोस्तों, ये थी कुछ पृथ्वी की रहस्यमय बातें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नए रहस्यों का पता लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते।